आज का जो टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ ए सेट। तो हमारी सेकंड एक्सरसाइज चलेगी। सेकंड एक्सरसाइज के लिए हमारे हमें जरूरत पड़ेगी टाइप्स ऑफ दी सेट। सेट्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो उससे जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.2, तो उसमें हमें जरूरत पड़ेगी टाइप्स ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले देखिए, इनके नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि नाम के अकॉर्डिंग ही इनके क्या है, इनकी पहचान। सबसे पहला सेट है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जिसको हम बोलते हैं नल, नल सेट और वॉइड सेट। वॉइड सेट, नल सेट या एम्प्टी सेट, ये तीनों इसी के नाम है। अब इसके नाम से ही पता लग रहा है, एम्प्टी सेट यानी एम्प्टी मतलब खाली, यानी एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। क्योंकि एम्प्टी सेट तो मतलब सेट तो है वो, यानी हमारी पैकिंग तो है लेकिन उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी सीधे क्या है, खाली ब्रैकेट आ रहे हैं ऐसे। ये जो है सेट है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। अ सेट हैज नो एलिमेंट, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। डिनोटेड बाय, या तो उसको इससे डिनोट करते हैं, एम्प्टी सेट है, दो कर्ली ब्रैकेट बनाए और उनके बीच में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो एम्प्टी सेट हो गया। या फिर इसको डिनोट करते हैं पाई से, पाई इसको बोलते हैं पाई, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे ही का। A set is equal to X that X is a natural number between 4 and 5. 4 और 5 के बीच में एक natural number है। X क्या है, एक ऐसा number है, कौन सा कैसा number, नेचुरल नंबर जो 4 और 5 के बीच, 4 और 5 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं, तो इसलिए x क्या है, कुछ भी नहीं है। x की वैल्यू क्या है, कुछ है ही नहीं है, क्योंकि x क्या कहा उसने, नेचुरल नंबर है, और किसके बीच में लाई करना चाहिए, 4 और 5 के बीच में लाई कर, तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर मिलेगा नहीं। तो ऐसा सेट कैसा होता है, आपका एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, दूसरा है आपका सिंगलटन सेट। सिंगलटन यानी इसके नाम से पता लग रहा है कि उसके अंदर क्या होगा, केवल और केवल एक एलिमेंट। अ सेट हैज ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। तो ऐसे सेट को क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट होने। ठीक है, इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। ए एक्स दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 6। 4 और 6 के बीच में एक नेचुरल नंबर, कितने नेचुरल नंबर, एक्स जो है एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 4 और 6 के बीच में लाई करता है, यानी इसका यदि रोस्टर फॉर्म में इस, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म दिया है कि एक्स एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 4 और 6 के बीच में लाई करता है, तो यदि इसकी रोस्टर फॉर्म बनाएंगे तो इसमें क्या आएगा, केवल एक ही एलिमेंट आएगा, 5। ठीक है, या इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं कि सेट ए, सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट
एक्स इज अ मंथ, स्टार्ट फ्रॉम एफ, एक्स इज अ मंथ स्टार्ट फ्रॉम एफ, यानी एक्स एक ऐसा मंथ है जो कहां से स्टार्ट होता है, एफ से स्टार्ट होता है। तो इसका जब सेट बनेगा तो क्या आएगा, फरवरी, क्योंकि फरवरी ही एक ऐसा मंथ है जो कहां से स्टार्ट होता है, एफ से स्टार्ट होता है, और बाकी कोई मंथ नहीं होगा। तो क्या आएगा, एक केवल और केवल सिंगल एलिमेंट आएगा। तो ऐसे सेट को भी हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट को। तो दो टाइप के सेट हो गए आपके पास, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट। तीसरा है आपके पास फाइनाइट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, इन दोनों की डेफिनेशन एक साथ ही बताऊंगा, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, फाइनाइट यानी एक क्या है, सीमित में होता है, फिक्स है, ठीक है। इनफाइनाइट पता नहीं कितने हैं, ठीक है। अ सेट हैव डेफिनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट, फाइनाइट अदरवाइज इनफाइनाइट। अ सेट हैव डेफिनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट, डेफिनाइट मीन्स क्या होता है, फिक्स, जहां पर आप बता सकते हो कि 10 एलिमेंट है, 20 एलिमेंट है, 50 एलिमेंट है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, लाख है, जहां पर आप फिक्स आप बता सकते हो कि इसके अंदर इतने एलिमेंट्स हैं, तो उसको हम बोलेंगे फाइनाइट। क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। और यदि ऐसे में आप नहीं बता सकते तो उसको क्या बोलोगे, इनफाइनाइट सेट बोलोगे। जैसे एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ All books in your school library the collection of all books in your school library। तो ये जो सेट है ये कैसा है, फाइनाइट सेट है, यानी अपने स्कूल की लाइब्रेरी में जितनी बुक्स है उनका सबका कलेक्शन कर लिया। हो सकती है 1000 हो, 2000 हो, 3000 हो, लेकिन आप वहां पर डेफिनेट आप बता सकते हैं कि यहाँ पर इतनी बुक है। काउंट ही तो करनी पड़ेगी, आपका काम ही तो बढ़ जाएगा, लेकिन आप वहां पर बता सकते हो कि उसके अंदर इतनी बुक्स हैं। अब इनफाइनाइट का ले लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर कितने हैं भाई, बता सकते हो कुछ, नहीं बता सकते, क्यों, इवन नंबर्स क्या है, 2, 4, 6, 8, 10 मिलते जा रहे हैं भाई, तो आगे तक पता नहीं कहां तक जाएंगे। तो यहां पर आप नहीं बता सकते कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो ऐसे टाइप के सेट को हम क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट सेट। तो जहां पर आपको डेफिनेट एक नंबर्स मिल जाएंगे, डेफिनेट नंबर्स मिल जाएगा कि इतने हैं, 10,000 है, 20,000 है, तो उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। और जहां पर आप नहीं बता सकते कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। तो एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। और आपका फोर्थ है, इसी को रफ कर देते हैं, और रफ करने के बाद में नेक्स्ट जो सेट होगा हमारा फोर्थ इक्वल सेट।
दरअसल ये टाइप्स ऑफ सेट में तो नहीं आता, टाइप्स ऑफ सेट तो आपके यही थे चार टाइप के, एम्प्टी, सिंगलटन, फाइनाइट और इनफाइनाइट, लेकिन इक्वल सेट में बताना जरूरी है इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट, इक्वल दोनों आपस में बराबर हो, बराबर का मीन्स क्या होता है इक्वल सेट, दरअसल क्या होता है इक्वल सेट होता है कि यदि उनके वे दोनों सेट और उन दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो देखने में कैसे हो, सेम। तो इक्वल सेट हमेशा क्या होता है, दो की कंपेरिजन होगी, एक एक सेट को हम इक्वल नहीं बोलेंगे, क्योंकि इक्वल के लिए क्या दूसरे से कंपेयर करना पड़ेगा कि भाई मैं इसके बराबर हूं। तो इफ ए एंड बी आर टू सेट्स हैविंग नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल एंड सेम, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ए और बी यदि दो सेट्स हैं, दो सेट्स हैं उनके अंदर जो एलिमेंट हैं वे कैसे हो, इक्वल हो और कैसे हो, सेम हो। यानी यदि इसके अंदर फाइव एलिमेंट्स हैं तो इसके अंदर भी फाइव होने चाहिए, और सेम का मतलब हो गया वो देखने में भी कैसे हो, सेम हो। ठीक है, तो आज जो है आपको कहां तक करने हैं, टाइप्स ऑफ सेट में एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट, ये यहां तक आपको टॉपिक करना है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे।